वेलकम टू इंडिया सर्च करें। आज मैं आपको बताऊंगी कि टोस्टर कैसे साफ़ किया जाए। हमारी किचन में जो टोस्टर होता है उसे साफ़ करने का तरीका सीखेंगे। इसमें हमने विनेगर का और सर्फ एरियल का यूज़ किया है। जो फ्रंट लोड हमने सर्फ लिया है उससे हम कैसे टोस्टर साफ़ कर सकते हैं ये विधि देखेंगे। तो हमने एक बॉटल में विनेगर और सर्फ को घोल बनाया है मिला करके, जिसमें थोड़ा पानी भी मिक्स है। एक सूखे कपड़े से हमने ये घोल लगा करके टोस्टर को पहले हल्का सा गीला कर लिया है। साथ में हमने एक पुराना टूथब्रश भी लिया है और मैं इसे हल्के हाथ से रब कर रही हूँ। टूथब्रश से साफ हुए हैं जो बहुत ज़्यादा चिकनाई जमी हुई थी। हर कॉर्नर में चला जाएगा। पुराना टूथब्रश लिया है हमने। अंदर वाले हिस्से को खोल करके भी ब्रश से सफाई करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे हल्के हाथों से, अदरवाइज इसकी पॉलिश ख़राब हो जाएगी। अब एक सूखा कपड़ा लेकर के सूखे कपड़े से हमने सर्फ का पानी था वो साफ कर दिया है। हल्के हाथ से करेंगे। धीरे धीरे साफ हो गया है। देखिए टोस्टर कितना साफ हो गया है। पहले बहुत ही ख़राब लग रहा था। शाइनिंग देखिए आप।
ये जो दीपावली पे हम सफाई करते हैं, इसके लिए हमारा विनेगर का घोल बड़ा यूज़फुल है, जो हमने बॉटल में पहले ही बना रखा है। इसमें हमने एरियल का और सर्फ एक्सेल का यूज़ किया है। एक बॉटल में पानी भर के उसमें हमने एक बड़ा चम्मच सर्फ और विनेगर एक बड़ा चम्मच मिक्स करके ये क्लीनिंग जो चल रही है सब इसी से किया है। होममेड है ये क्लीनर, आप भी बना सकते हैं। तो देखिए टोस्टर कितना क्लीन हो गया है, बिल्कुल नया जैसा लग रहा है। थैंक यू, कीप शेयरिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।